पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का मकसद है कि बेटियों में एक आत्मविश्वास भरा जाए, उसमें वो सक्सेस रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें, हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं रहेंगी कि इस तरीके के और भी कार्यक्रम हों, समाज में एक मैसेज जाए कि बेटियों को किसी भी मायने में कम ना कहा जाए। वैसे भी आज मेरी समझ से बेटियाँ किसी भी फील्ड में कम नहीं है, या कॉर्पोरेट सेक्टर ले लो या कोई भी सेक्टर ले लो, हर सेक्टर में बच्चियाँ आगे हैं। आपको पिछले 10 साल का रिजल्ट भी अगर इसलिए सम्मानित किया जा रहा है 10वीं और 12वीं के बच्चों को, तो मुझे जहाँ तक याद है पिछले 10 या 15 साल से जब मैं 10th में था तब से हमेशा एक ही हेडिंग आती है पेपरों में कि इस बार भी बेटियों ने टॉप किया। अब तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर लिखने वालों के लिए हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो बेटियाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटियाँ किसी भी मामले में पीछे नहीं है, सिर्फ एक सोच समाज की है, उसको बदलने की ज़रूरत है। जो सोच को बदलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी टीम पिछले कई सालों से प्रयासरत है, और ऊपर वाले से यही एक कामना है कि ये जो सोच बदलने की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम की मुहिम है वो सफल हो। धन्यवाद।